decision trees decision trees are popular and powerful tools to classify and predict items or data uh, they basically they represent uh, rules which can be understood easily by humans uh, and are used in knowledge systems uh, like a database so we that decision trees Uh, मुख्तल uh, तरह के मैथड्स और टूल्स क्लासीफिकेशन एंड प्रडिक्शन के लिए यूज होते हैं तो उन बहुत सारे में से डिशन ट्रीज जो है वह एक तरह के टूल्स है सिस्टम्स है मैथड्स है जो प्रिडिक्शन एंड क्लासीफिकेशन के लिए यूज होते है और जो ह्यूम्स के लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल है इनका जो वर्किंग बिहेवियर है इनका जो लॉजिक है दे आर ईजीली

और इसमें चूंकि डिसीजन मेकिंग होता है मुख्त क्वेश्चन होते हैं और वो क्वेश्चन वन बाय वन करते करते सीरीज में चलते हुए हमें आंसर्स करते हैं हमें डिसीजन मेकिंग करते हैं, सो देट्स डिसीशन दे आर बेसिकली दे आर वन वे ऑफ टू डिस्प्ले एन एल्गोरिदम देट ओनली कंटेन कंडीशनल

कंडीशन uh, होते हैं वो ऐसे ही कंडीशन होते हैं वो यस नो कंडीशन पे चलते हैं और uh, जब हम बॉटम uh, तक चलते हैं तो वो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर कर देता है या जो भी हमने डिसीजन मेकिंग करना होता है वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है या अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है तो प्रिडिक्शन हो जाती है या अगर हमने किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है किसी डेटा आइटम को तो वो डेटा आइटम यस नो यस नो आंसर सीरीज में करते हुए बॉटम uh, तक वो हमें सीरीज में ले जाता है ट्री आर आर्ख, की ट्री आर्किटेक्चर की में तो वो uh, डेटा आइटम को क्लासीफाई कर देता है इट क्लासीफाई डेटा आइटम्स बाय पोजिंग सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड डेट क्वेश्चन आर अबाउट The associated features about that attributes basically. So, uh, जिस जिस item के बारे में हमने uh, classification या prediction करनी होती है, तो उसके बारे में उसके मुख्तलिफ attributes के बारे में ये series of questions pose करता है, और उस question के answering में uh, वो uh, item जो है, वो classification या prediction uh, उसी specific scenario में uh, decision tree के through हो जाती है. Each question इज बेसिकली कंटेंड इन अ नोड ऑफ दैट ट्री हर एक नोड में एक क्वेश्चन होता है एंड दैट क्वेश्चन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ दैट आइटम बेसिकली और हर एक इंटरनल नोड जो है उस ट्री का क्योंकि ट्री में जब हम बात करते हैं तो ट्री में नोड्स होते हैं और उसमें उसके लिंक्स होते हैं तो जो नोड्स होते हैं बेसिकली कुछ इंटरनल नोड्स होते हैं कुछ आउटर uh, नोड्स होते हैं जिसको हम uh, कुछ हम लीव्स कहते हैं या जो तो हमारे पास उसके पेरेंटल नोड्स या इंटरनल नोड्स और कुछ चाइल्ड uh, नोड्स होते हैं इंटरनल नोड जो है दे आर पॉइंटिंग टू वन चाइल्ड नोड और वो चाइल्ड नोड जो है वो उस पेरेंटल नोड के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग बेसिकली कर रहा होता है कि वो हमें यस yes, नो no की तरफ लेके जा रहे हैं फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि इफ फॉर एग्जांपल वी आर क्लासिफाइंग ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज तो हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूम बींग है ह्यूमन बींगज है आ, अगर किसी की एज जो है वो फोर्टी ईयर से ज्यादा है तो यस और नो अगर ज्यादा है तो यस yes की तरफ मूव करो नो है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो सो बेसिकली दैट चाइल्ड नोड इज बेसिकली आंसरिंग टू द क्वेश्चन पोज बाय दैट पेरेंटल और द इंटरनल नोड द क्वेश्चन देयर बाय फार्मार इनकोडेड एस अ ट्री एंड दैट्स वाई दिस होल मैथड आर्किटेक्चर ऑफ द ट्री एंड दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एस और डिसीजन मेकिंग वजह से ट्रीजिशन ट्रीज है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यस नो क्वेश्चन आर बेसिकली पोस्ड और uh, हर एक इंटरनल नोट जो है वो यस नो चाइल्ड को पॉइंट आउट करता है और uh, इसी तरह हायरिकी uh, में चलते हुए यस uh, नो yes, no को आंसर करते हुए uh, वो जो डेटा आइटम है जिसकी हमने अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो वो क्लासीफिकेशन उसकी हो जाती है वो क्लासिफाई हो जाता है अपने स्पेसिफिक अपनी रिस्पेक्टिव क्लास में और अगर हमने प्रिडिक्शन करनी है तो आ, वो रिस्पेक्टिव प्रिडिक्शन हो जाती है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ अ डिजीज या किसी रिस्क फैक्टर को एसोसिएट कर रहे डिजीज के साथ और हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर रहे तो वो प्रिडिक्शन हो जाती है या अगर हमने किसी चीज़ को क्लासीफाई करना है डेटा आइटम्स को क्लासीफाई करना है फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है या किसी कैरेक्टर बेस्ड uh, किसी स्पीशी को क्लासीफाई करना है तो उसके लिए भी ये सिस्टम यूज हो सकता है या मार्केट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स में हमने अगर क्लासीफाई क्लासीफिकेशन करनी है तो उसके लिए भी बड़े पॉपुलरली डिशन ट्रीज जो है वो यूज हो सकते हैं दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स पॉपुलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रीज एंड दिस प्रॉब्लम इज फ्राम द डोमेन ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी डोमेन से स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम उठाया गया है फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम जीन पेयर्स जहां पर हमारे पास जीन पेयरस है वी हैव जीन पेयर ए ए सी सी डी एंड सो ऑन वी हैव जीन पेयर्स और हम हमारे पास इन जीन पेयर्स के कुछ एट्रीब्यूट है फॉर एग्जाम्पल हमें उसके एक एट्रीब्यूट का पता है इंटरेक्शन का एक एट्रीब्यूट है एक्सप्रेशन को रिलेशन का एट्रीब्यूट है शेयर लोकलाइजेशन है शेड फंक्शन है जीनोमिक डिस्टेंस है और आ, हर एक पेयर के बारे में ये रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट का डेटा हमें पता है फॉर एग्जाम्पल ए बी जीन पेयर जो है दे 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 इंटरेक्ट विद ईच अदर इनका कोरिलेशन एक्सप्रेशन कोरिलेशन और दे आर यस दे आर दे लोकलाइजेशन एंड दे डोंट शेयर फंक्शन सो नो हियर इनका जो डिनोम डिस्टेंस है वो वन के भी है सो वी हैव दिज एट अवेलेबल फॉर ऑल द जीन पेयर्स हमने अब इन जीन्स पेयर को लेट सपोज वी हैव टू क्लासीफाई दे रिस्पेक्टिव क्लासेस सो हमने एक एक एट्रीब्यूट को एक नोड को वो रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट असाइन करना है सबसे पहले हमने उसमें से द मोस्ट पावरफुल एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना होता है फॉर एक्जाम्पल वी सिलेक्टेड जीन एक्सप्रेशन को जीन एक्सप्रेशन को को हमने सिलेक्ट किया और uh, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमने पोस्ट किया कि इफ एक्सप्रेशन को इज ग्रेटर दैन पॉइंट नाइन क्या पॉइंट से ग्रेटर है उन जीन तो हमने जीन पेर को हम क्लासीफाई कर रहे हैं इफ दिस जीन एक्सप्रेशन को इज ग्रेटर दैन

दर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लासिफिकेशन के लिए कि जीनोमिक डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन फाइव हैर देन फाइव इट मींस कि दिस इज ए बी और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसी क्वेश्चंस को ये फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे लेकर आ जाता है इसी तरह करते हुए जब आप उस रिस्पेक्ट पाथ को फॉलो करते हैं तो आप अगर क्लासीफिकेशन के लिए डिसीशन ट्रीज को यूज किया हुआ है सो यू हैव योर रिस्पेक्टिव क्लासीफिकेशन अगर आपने प्रिडिक्शन के लिए यूज किया हुआ है सो यू प्रिडिक्ट आउटकम जिसके लिए आपने प्रडिक्शन के लिए डिशन ट्री को यूज़ किया था सो दिस डिशन ट्रीज बेसिकली समरी हम ये कह सकते हैं कि दे आर पावरफुल टूल्स पॉपुलर टूल्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रिडक्शन और जो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेज या नॉन साइंटिफिक फील्ड के अंदर मार्किट के अंदर डेली uh, लाइफ के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इधर क्लासिफिकेशन और प्रडिक्शन